हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे बनता है गट्टे का सब्जी। तो चलिए बताते हैं कैसे बनता है। स्वागत है आपको मेरे चैनल में दीपक का लाइफ में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि बेसन का गट्टे का सब्जी कैसे बनता है। दोस्तों वैसे तो मीट हो, मुर्गा हो, या और भी, या अंडा करी हो, या जो भी हो, या पनीर हो, सब सब्जी का दोस्तों अलग अपना अपना टेस्ट है, लेकिन ये बेसन का गट्टा का इसका टेस्ट दोस्तों एकदम लाजवाब होता है। हालांकि तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। लगे वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गट्टे का सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेसन को छान लिया है दोस्तों। अब इसे सानेंगे। लगभग 1 kg बेसन है, लगभग हमने इसमें 30 g नमक दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला छीटा है, लगभग 1/2 चम्मच, और ये कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, लगभग कस्तूरी मेथी दी हमने, और लगभग 1 चम्मच जीरा पाउडर दिया, और ये थोड़ा सा खड़ा जीरा दिया, और ये थोड़ा सा मिर्च पाउडर दिया। और दोस्तों गट्टे को खास्ता बनाने के लिए इसमें हम तेल देंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, तभी आपको मुंह में लेते के साथ गल जाएगा हमारा गट्टा। तो अब इसे मिक्स करके अच्छी तरह से सान लेना होता है। आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसे मिक्स किया, और पानी दे करके थोड़ा सा टाइट इसे हम मिक्स करके सान लेंगे, मिला लेंगे, और ये हमारा सानने का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसे हम लंबा लंबा करेंगे ताकि हम इसे खौला करके वॉयल कर करके कट करने में आसान हो। दोस्तों ये गट्टे का सब्जी का बनाने का एक अलग और तरीका और होता है, बेल करके तवा पर सेक करके उसका भी वो भी तरीका होता है। तो हमने दोस्तों सबको लंबा कर लिया गट्टे को, और पानी खौला लेने के बाद थोड़ा सा पानी हमने ऑयल दे दिया ताकि चिपके नहीं। उसके बाद हमने सभी गट्टा को डाल दिया है खोलते हुए पानी में। लगभग 10 मिनट खोलाने के बाद इसे हम दोस्तों छान के निकाल लेंगे, जैसा कि हमने किया है वीडियो में दोस्तों। तो इसे सभी को निकाल लेना है छान करके, और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद दोस्तों इसको हम कट कर लेंगे, देख सकते हैं। तो आपने देखा लगभग दोस्तों कि हमने 1 kg बेसन में लगभग 30 g नमक दिया, और जो जो तरीका से मैंने मसाला दिया है वो चीज़ें देना है, और उसे लंबा कर करके वॉयल कर करके कट कर लेना है। और कट कर लेने के बाद दोस्तों इसे हम फ्राई भी करने का काम करेंगे। सभी को हमने कट कर लिया है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे तेल में। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह हमने फ्राई किया है, और ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा लाल करेंगे तो टाइट हो जाएगा, फिर खास्ता पर नहीं रहेगा, इसलिए बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना होता है। ये टमाटर है और लहसुन है, दोनों चीज़ पीस कर लिया, और टमाटर कट कर लिया, धनिया पत्ता है, दही है, और आदि है, सभी चीज़ों को पीस कर रख लिए। और ये लगभग 1 kg प्याज है, 1 kg बेसन के लिए, 1 kg बेसन के लगभग 250 ग्राम तेल का प्रयोग किया है। तेल पक गया है, अब मसाला भुनना स्टार्ट कर रहे हैं। तेल पक जाने के बाद थोड़ा सा हींग दिया, तेजपत्ता दिया, और सूखा मिर्च दिया, इसके बाद खड़ा जीरा देंगे। तो दोस्तों हमने ये फ़ौरन दे दिया, जब फ़ौरन लाल हो जाएगा तब इसमें हम प्याज लगभग 1 kg कट करके रखे हैं वो प्याज डाल देंगे। अब प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज हमारा आसानी से गल पाए और लाल हो पाए। तो आपने देखा दोस्तों कि हमें, और ये हमारा फ्राई किया हुआ है गट्टा बिल्कुल खास्ता है, और ये नमक दी है, नमक थोड़ा सा प्याज को गलाने में आसान करेगा। अब हमारा प्याज लाल हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों हमने मसाला लिया है, जैसे देख सकते हैं आप, ये कश्मीरी मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, उसके बाद लाल मिर्च है, उसके बाद कस्तूरी मेथी है। इन सभी मसालों का दोस्तों हम प्रयोग करेंगे। तो पहले हमने दोस्तों हल्दी पाउडर दे दिया है, थोड़ा सा इसे भूनेंगे। आपने देखा दोस्तों कि हमने बेसन सबसे पहले साना, उसे वॉयल किया, उसका गट्टा कटिंग कर लिया, कटिंग कर लेने के बाद फ्राई कर लिया। फ्राई कर लेने के बाद दोस्तों उसमें मसाला बनाने का प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अभी हमने देखा आपने कि आदि हम इसमें दिए हैं। देखिए मसाला बनाने में ये आदि हो, लहसुन हो, ये सब आप थोड़ा सा कुछ पहले भी दे सकते थे प्याज डालने से, या प्याज डालने के बाद भी दे सकते हैं, जैसा कि बताया हमने, आदि हो चाहे लहसुन हो। तो प्याज जब लाल हो गया तो इसमें आदि डाल दिए दोस्तों। अब आदि डाल देने के बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे, तो सभी चीज़ों को हमने पीस करके रख लिया है। तो लहसुन दे दिए। किसी भी सब्ज़ी में दोस्तों लहसुन के पास कैपेसिटी होता है कि बहुत टेस्टी
और सुगंधित और बेहतरीन बनाने का क्षमता होता है लहसुन के पास। दोस्तों प्याज हो, लहसुन हो, तेल हो, किसी भी सब्जी में या नॉन वेज हो, भेज हो, जो भी हो, सभी में टेस्ट लाने का काम करता। और ये हमने कट किया हुआ टमाटर डाल दिया। इसके बाद दोस्तों पिसा हुआ टमाटर भी डालेंगे। पिसा हुआ चीज़ डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा झोर या हमारा मसाला जो भी होता है लठेदार होता है, चीज़ों को पकड़ के रखता है, झोर बहता नहीं, पानी जैसा नहीं होता है, झोर में मसाला में गाढ़ापन होता है। ये वजह होता है कि हम लोग टमाटर पीस के देते हैं। आप कभी भी घर में कोई भी मसालेदार सब्ज़ी बनाए दोस्तों, तो थोड़ा सा टमाटर पीस के दे, फिर सब्ज़ी का टेस्ट देखे और मज़ा खाने का देखे। तो हमने टमाटर भी दे दिया आपको, ये हमने टमाटर दिया था, आधे को हमने पीस दिया, आधे को दिया, दो से दे दिया। तो दोस्तों मसाला हमारा भुनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे सब मसाला को डालेंगे दोस्तों। तो आपने देखा कि हमने हल्दी पाउडर दे दिया थोड़ा सा पहले ही, उसके बाद आधी लहसुन सब चीज़ दिया। अब दोस्तों हम काश्मीरी मिर्च दे रहे हैं। काश्मीरी मिर्च तीता नहीं होता है, किसी कंपनी का तीता होता है, वैसे तीता नहीं होता। ये सब्ज़ी में सिर्फ कलर और टेस्ट लाने का काम करता है। बहुत ही बेहतरीन मसाला दोस्तों काश्मीरी मिर्च। आपके अगर किचन में काश्मीरी मिर्च है तो आपका बिल्कुल खाना बहुत बेहतरीन बनने वाला है और बहुत ही लाजवाब बनता है दोस्तों। तो काश्मीरी मिर्च टेस्ट और कलर दोनों ही चीज लाता है, तीता बिल्कुल नहीं होता है। होता ही मिर्च है लेकिन लाल मिर्च, लेकिन तीता बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी किसी कंपनी का मिर्च तीता होता है, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा मात्रा में दे दे और तीता हो जाए, मैंने बता दिया जानकारी था। उसके बाद लाल मिर्च हम देंगे, कस्तूरी मेथी हमने दे दिया है। सभी मसाला दोस्तों बारी बारी से डाल देंगे। ये मसाला भुनने का तरीका आप समझ लेंगे दोस्तों। तो किसी भी चीज़ में मसाला काम, चाहे अंडा करी बना रहे हो, चाहे मीट बना रहे हो, तो जो भी मसाला था अब लास्ट टाइम है, सब मसाला को हम डाल देंगे। सही मसालों को डाल देने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे और अब इसमें जो गट्टा फैला कर रखे हैं उसे डाल रहे हैं। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, हमने गट्टा को कट करके फैला कर रखा था, वो डाल लिए। और दोस्तों हमारा गट्टा लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा झोर गला लगा तो उसमें से हमने पानी का प्रयोग किया और दोस्तों ये हमारा गट्टा तैयार हो चुका है। तो बताइएगा कैसा लगा आज का रेसिपी। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में कॉमेंट, तो अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कि आज की रेसिपी को देखने के बाद आपका दिल जरूर करेगा कि हम बनाए घर पे बेसन का गट्टा। तो लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।